दोस्तों, आपने 1982 की फिल्म निकाह तो देखी है ना। ये फिल्म लव स्टोरी पर आधारित थी। जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आई तो दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए उतावले से हो गए थे। आपको बता दें, इस फिल्म ने कम बजट में सबसे ज्यादा कमाई की और इस फिल्म के सभी कलाकारों ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया और हर एक किरदार फेमस हो गया। लेकिन आप इन कलाकारों को तो अच्छे से जानते हैं, इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हो, तो आइए जानते हैं कौन है वो कलाकार और कौन है उनके लाइफ पार्टनर। नंबर 5, राज बब्बर। इस फिल्म में राज बब्बर ने हैदर का किरदार निभाया, जो एक कवि होते हैं। वो नीलोफर बानो से बहुत प्यार करते हैं, पर यह बात इनके बोलने से पहले ही नीलोफर बानो की शादी वासिम अहमद से हो जाती है। इस फिल्म में इन्होंने बहुत ही साधारण सा किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। अगर बात करें इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो इनकी पत्नी का नाम नादिरा बब्बर है, जिनसे इन्होंने 1975 में शादी की। शादी के बाद इनसे 2 बच्चे हुए, जिनका नाम जूही बब्बर और आर्या बब्बर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक अभिनेत्री है, जिन्होंने जय हो और काश आप हमारे होते जैसे फिल्मों में काम किया। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि शादी के बाद राज बब्बर का अफेयर अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ चला, लेकिन इनके मृत्यु के बाद ये अपनी पहली पत्नी के पास दोबारा लौट आए। नंबर 4, दीपक पाराशर। इस फिल्म में इन्होंने अहमद का किरदार निभाया था, जो नीलोफर बानो के पति होते हैं, लेकिन ये अपने बिजनेस के चक्कर में इन पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण निकाह टूट जाता है। उसके बाद इनकी पत्नी का निकाह हैदर के साथ होता है। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को जबरदस्त तरीके से निभाया था, जिनसे दर्शक काफी प्रभावित हुए। इन्हें इस किरदार को निभाकर काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। लेकिन अगर बात करें इस अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम सरिता पाराशर है। शुरू में तो इन दोनों का रिश्ता अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद मतभेद हुए, जिसके चलते आपसी सहमति से इनका तलाक भी हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनकी पत्नी प्रोफेशन से एक बिजनेस वूमन है। ये ज्वेलरी डिजाइनिंग का बिजनेस करती है और वर्तमान में इनका बिजनेस काफी तेजी से चल रहा है। नंबर 3, इफ्तिखार। इस फिल्म में इफ्तिखार ने साइड रोल के तौर पर जुम्मन चाचा का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। इस फिल्म में इनका किरदार काफी छोटा था, लेकिन इन्होंने इसे जबरदस्त तरीके से निभाया। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इन्होंने एक यहूदी लड़की से शादी की। शादी के कुछ सालों बाद भारत का विभाजन होने के कारण दंगों की आग इन्हें बॉम्बे ले आई, जिसके कारण ये अपनी पत्नी से बिछुड़ गए। अपनी पत्नी से बिछुड़ने के बाद इनकी 2 बेटियां इनके साथ ही रह गई, जिनका नाम सदिया खान और सलमा जैन है। आज इनकी दोनों बेटियां पाकिस्तानी अभिनेत्री हैं। नंबर 2, असरानी। इस फिल्म में असरानी ने सहायक अभिनेता के तौर पर सैफ का किरदार निभाया। इन्होंने इस फिल्म में कॉमेडी रोल निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया और काफी तारीफें की। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम मंजू बंसल असरानी है, जो इन्हीं की तरह अभिनेत्री हैं। इन्होंने कई फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के तौर पर काम किया, जिन्हें जाने बहार और नमक हराम जैसी फिल्मों में देखा जा सकता है। नंबर 1, सलमा आगा। इस फिल्म में सलमा आगा ने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नीलोफर बानो का किरदार निभाया, जो हैदर से प्यार करती है, लेकिन इनकी शादी वसीम अहमद से हो जाती है, जिनसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी रहती है। इस फिल्म में इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया और दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की। अगर बात करें इनके रियल लाइफ पति की, तो इनके पति का नाम रहमत खान है, जिनसे इन्होंने 1989 में शादी की। इनके 2 बच्चे हुए, शाशा आगा और आगा खान। शादी के कुछ सालों बाद ही आपसी मतभेद के चलते ये दोनों अलग हो गए। आज ये अपने दोनों बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके पति प्रोफेशन से एक स्क्वैश खिलाड़ी है। तो दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किन के रियल लाइफ पार्टनर सबसे ज्यादा अच्छे लगे, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बता दो। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।